आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के 3 और बीसीसीआई के 1 सदस्य द्वारा आगामी 23 फरवरी से होने वाले भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए जेएससीए स्टेडियम के ग्राउंड, पिच, प्रैक्टिस पिच, ड्रेसिंग रूम, जिम, इंडोर क्रिकेट फैसिलिटी और सुरक्षा के मानदंडों का निरीक्षण किया गया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों का विशेष ध्यान मैच के विकेट पर था। स्टेडियम के साथ साथ टीम के रुकने के लिए रेडिसन ब्लू होटल का भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। स्टेडियम की सभी सुविधाओं और व्यवस्थाओं से भी वह सभी संतुष्ट दिखे और प्रसन्न दिखे। बता दें कि जेएससीए स्टेडियम में 23 फरवरी से भारत इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है, जिसे लेकर दर्शकों में भी खासा उत्साह है। टेस्ट मैच के लिए तो हमारे जो सेक्रेटरी हैं देवाशीष चक्रवर्ती और संजय जी आपको जरूर ही मीडिया को ब्रीफ करेंगे। और जैसे आज आप लोगों को मालूम चला होगा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की टीम भी एक जो एक एडवांस टीम आती है, उनके सुरक्षा के पदाधिकारी आते हैं, वो भी सुरक्षा के जायजा को लेने के लिए रांची आए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनको भी जो फीडबैक मिला है, जब पिछला जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड टीम यहाँ आई थी तो उन लोगों ने जो फीडबैक न्यूजीलैंड टीम से लिया था तो उन्होंने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा इंतजाम जो था सुरक्षा का वो झारखंड में रांची में था। तो ये एक अच्छी बात है और जेएससीए के लिए बड़ी एक अचीवमेंट भी है कि लोगों ने जो एक मानक जो सेट किए हुए हैं उसी में आगे चल रहे हैं। और इस टेस्ट मैच का आयोजन भी जो अभी जो जेएससी की कमेटी है जो टेस्ट मैच लेके आए हैं, सफलतापूर्वक आयोजन होगा जिसमें जेएससी के सभी जो मेंबर्स हैं वो सहयोग करेंगे, मीडिया के साथ ही और जो यहाँ के जो सुरक्षा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी सहयोग मिलता है। तो ये टेस्ट मैच कराना एक अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है क्योंकि वो 5 दिनों का मैच होता है और ये सबके लिए एक अचीवमेंट रहेगा। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट।